नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। बिहार की खबरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जुड़ चुके हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। चिराग पासवान को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, बिहार के जनता को बताइए। देखिए, कल चिराग पासवान ने मंत्री पद की शपथ ली जी, और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जब चिराग पासवान मिलने गए नीतीश कुमार, ये नरेंद्र मोदी से, तो एक अजीब तरह की बॉन्डिंग दिखी दोनों के चेहरे पे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे भी और चिराग पासवान के चेहरे पे भी। एक गजब का आत्मविश्वास था और उस आत्मविश्वास को देखकर मेरे जैसे व्यक्ति के मन में ये बात आई कि जिस तरह से कोई पिता अपने पुत्र का बढ़ता कद देख के फूले नहीं समाता है, नरेंद्र मोदी भी उसी तरीके से चिराग पासवान से मिलके फूले नहीं समा रहे थे। मतलब चिराग पासवान और नरेंद्र मोदी के बीच की जो बॉन्डिंग थी वो बॉन्डिंग बहुत पॉजिटिव थी और इस पॉजिटिविटी के आधार पर आपको ये मान लेना चाहिए कि आने वाले समय में बिहार की बागडोर निश्चित तौर पे चिराग पासवान के हाथ में जाने वाली है। चूंकि आपको बता दें कि इसके पहले भी कई तरह की अटकलें हुई। एक बार मोदी ने दखलंदाजी की, 5 सीट पे लड़ना है, चिराग तैयार हो गए, ठीक 5 सीट पर लड़ेंगे। मतलब आज की तारीख में आप ये मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जो भी कह दे चिराग पासवान को, चिराग पासवान उससे इधर नहीं जा सकते हैं। खबरें भी ये आ रही है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपने पिता की जो भूमि थी हाजीपुर से चुनाव लड़के चुनाव जीता, ठीक उसी तरीके से चिराग पासवान अपने पिता का जो मंत्रिमंडल था उसी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बनने जा रहे हैं, खाद्य आपूर्ति। ये विभाग चिराग पासवान को लगभग मिलना तय हो गया है। अब अगर कोई उठापटक नहीं हो तो आप ये मान लीजिए कि खाद्य आपूर्ति जो है वो मंत्रालय चिराग पासवान को मिल रहा है। लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज ये है कि नरेंद्र मोदी जो कि देश के सबसे ताकतवर नेता है, उनके साथ जो चिराग की बॉन्डिंग थी उस बॉन्डिंग को मैंने पिता और पुत्र की बॉन्डिंग कहा, इसलिए कहा कि दोनों के चेहरे पर जो पॉजिटिविटी मुझको दिख रही थी वो पॉजिटिविटी मैंने अद्भुत थी, उत्तम थी। और ये बिहार के लिए भी अच्छा संकेत है, चूंकि नीतीश जी के बाद बिहार की जो कमान है वो कमान किसी ऐसे युवा के हाथ में जानी चाहिए जिस युवा में दम हो, जिस युवा में ताकत हो। अब जैसे आपको बता दें, 2-3 चेहरे पूरे बिहार की राजनीति में आप देखेंगे तो युवराजों के जो चेहरे हैं उसमें 2-3 चेहरे सामने आते हैं। उसमें एक चेहरा आता है चिराग पासवान का, एक चेहरा आता है तेजस्वी यादव का, एक चेहरा उसमें आता है पप्पू यादव का और एक चेहरा उसमें आता है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर के बारे में आपको बता दें पुरुषोत्तम कि प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बना दी और आपको ध्यान होगा कि कल ही प्रशांत किशोर ने जन सुराज को राष्ट्रीय मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उन्होंने मान्यता दे दी। मतलब पहले वो एक एनजीओ सेक्टर के तौर पे काम कर रहे थे लेकिन कल के बाद अब जन सुराज जो है, जन सुराज एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये उम्मीद तो पहले भी की जा रही थी, हम लोगों ने इसके पहले चर्चा भी की थी। तो अब ये बात हो गई प्रशांत किशोर को लेके। प्रशांत किशोर अपने बूते पर 243 चुनाव पर सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम कि दूसरी स्थिति बन रही है पप्पू यादव की। देखिए, पप्पू यादव एक बहुत मजबूत चेहरा है बिहार की राजनीति में और पप्पू यादव, मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं कि पप्पू यादव में जो पोटेंशियलिटी है उस पोटेंशियलिटी के आधार पर पप्पू यादव जैसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्योंकि जब भी संकट का समय आता है तो बाकी सारे राजनेता भले घर में हो लेकिन पप्पू यादव सड़क पर होते हैं, चाहे वो कोरोना का काल हो या पटना बाढ़ में डूब गई हो उस समय हो। कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि 40-40, 50-50 हजार रुपए में ब्लैक बिक रहा था, उस इंजेक्शन का नेपाल से जुगाड़ करके पटना में अवेलेबल करा के लोगों की जिंदगी बचाना, ये काम पप्पू यादव ने किया था। दूसरी बात ये, तेजस्वी यादव राजद के युवराज हैं और बहुत ज्यादा मेहनत उन्होंने इस बार की और अपने मेहनत के बूते पर
उन्होंने महागठबंधन को 10 सीटें भी दिलवाई। जहां पिछली बार खाता तक नहीं खुला था राजद का, वहां राजद को भी 4 सीटें मिली और उनके सहयोगियों को 6 सीटें मिली, मतलब 10 सीटें उन्होंने हासिल की। तो एक चेहरा तेजस्वी यादव का है। तो ये जो 3-4 चेहरे हैं, मुझे लगता है कि उसमें एक बहुत ही प्रॉमिसिंग चेहरा चिराग पासवान का है। उम्मीद संभावनाएं सबके लिए हैं, लेकिन चिराग पासवान के पीछे देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति नरेंद्र मोदी का हाथ होना, ये उसके लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत प्लस पॉइंट हो सकता है। आप पुरुषोत्तम, सर आपके सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि रामविलास पासवान का ही मंत्रालय चिराग पासवान को मिलने जा रही है, तो ब्रेकिंग खबर है? जी, ऐसी सूचनाएं दिल्ली से हमको मिल रही हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान ने अपने पिता की भूमि हासिल की, उसी तरीके से वो अपने पिता का मंत्रालय भी हासिल करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत ये जानकारी आपने हमको दी। तो दर्शकों, आप देख रहे थे कि चिराग पासवान का मंत्रिमंडल फाइनल हो गया है। अगर किसी भी तरह की उठा पटक नहीं होती है तो चिराग पासवान अपने पिताजी के मंत्रालय का वागडोर संभाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे फाइनल पोस्ट। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए। फिर से हम आपसे जुड़ेंगे किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।